हेलो गाइस, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अब अपना अगला सेशन। सो गाइस, इस सेशन में हम लोग हमारा जो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 है वो कंप्लीट करेंगे ताकि सब्सक्रिप्शन का पूरा टॉपिक अपना खत्म हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा उसमें मैं आपको वो जो स्टेटमेंट फॉर्म है वो भी करवाऊंगा और उसी के बाद में अकाउंट भी बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को रिलेट करना क्या हो थोड़ा आसान हो जाए। स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैंने कहा गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब देखो ध्यान से, ये बोल रहा है शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिपेयर करना है, और आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या बनानी है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैंने कहा गाइस, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारे पास डिटेल है, हमारे पास डिटेल है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 21 वाली। कितनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड? 3,03,500। उसके बाद हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? ये कौन सी वाली आउटस्टैंडिंग है मेरे प्यारे बच्चों? ओपनिंग वाली। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये भी हमारी कौन सी वाली सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी हमारी ओपनिंग वाली सब्सक्रिप्शन। तो क्वेश्चन देख के ओपनिंग ओपनिंग का डेटा और रिसीव्ड वाला तो मिल ही गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये हमें एडवांस में मिली 2021 को, दैट इज ये आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस कौन सी वाली है मेरे प्यारे बच्चों? एंड वाली। एंड में जो आपके पास एडवांस पड़ी थी ये क्या है? वो है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 कितनी है बेटा? ये है बेटा 42,000। कितनी है बेटा? 42,000। यहां तक क्लैरिटी है? अब यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूडिंग 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अरे हमें इससे मतलब ही नहीं है कि अगर कोई पूछ ले, सुनो बेटा, अगर कोई पूछ ले कि बताओ ये जो 42,000 है इसमें से प्रीवियस ईयर की अगर 13,000 है तो इस ईयर की कितनी होगी? आप कहोगे 29,000। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूजफुल है, अदरवाइज हमें तो आउटस्टैंडिंग एट एंड ही चाहिए। क्लियर है बेटा फंडा? समझ में आ रहा है अपने को? दिमाग में सेट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो अब मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, और पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये सारे इनमें जो जगह है वहां पे इसको अपन क्या करते हैं बेटा, प्रिपेयर कर देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कौन सा बेटा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, यहां तक की स्टोरी अपने दिमाग में सेट है, अपने दिमाग में क्लियर है? तो मैंने कहा यहां तक का अपने दिमाग में सेट हो गया कि यार ये कहां से आ रहा है, कहां से। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा कॉलम है? ये हमारे एक्सपेंडिचर का कॉलम है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्सपेंडिचर का कॉलम है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अमाउंट आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? अमाउंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे इनकम आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अमाउंट आएगा। यहाँ तक का स्टोरी क्लियर है? यहाँ तक हमें कोई डिफिकल्टी है? यहाँ तक हमारे दिमाग में तो सब कुछ सेट हो गया बेटा, कोई डिफिकल्टी सवाल ही नहीं उठता कुछ रह जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये आपके लिए इनकम है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब जो फॉर्मूला आप वहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे थे ना ऊपर, अब वो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रहे हो। देखो अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले अपन ने सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल्स किए, फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए जहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन निकालना था। अब सेकंड स्टेज पे आ रहे हैं कि अगर इसी सब्सक्रिप्शन को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना हो, जो आप ऑलरेडी डिटेल में जानते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा पीएनएल की तरह होता है, जहां क्रेडिट साइड इनकम आती है और डेबिट साइड क्या आता है मेरा? एक्सपेंडिचर। तो अगर आप क्रेडिट साइड देखोगे जो कि आपकी इनकम होती है, तो वहां आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे, और निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी, उसमें आप क्या जोड़ोगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्या जोड़ोगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एट एंड। उसमें से आप क्या माइनस करोगे बेटा, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस क्वेश्चन में जो पुराने क्वेश्चन में नहीं था वो यही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट बना के उसमें प्रेजेंटेशन दिखानी है। उसके बाद में प्रीपेड एट बिगनिंग, प्रीपेड एट बिगनिंग, और उसके बाद माइनस हो गया प्रीपेड एट एंड। देखो कुछ भी नया नहीं है, जो अपन करते थे वही है, और सारी की सारी डिटेल यहाँ पे तो पूरी दे भी रखी है। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है या कुछ नया हो, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ दो। अब मैं यहां से डेटा उठाता हूं, क्या डेटा दे रखा है बेटा, हमें कितना मिला पैसा, कितना पैसा मिला बेटा, हमें मिला 3,03,000। कितना मिला, 3,03,000। यहाँ आए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में आए, लिखा हमने 3,03,000। अरे क्लियर है क्या गाइस, कोई डिफिकल्टी है इसमें अपने को, समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट एंड, यहाँ पे आए आउटस्टैंडिंग एट एंड, हमारे पास दे रखा है ये आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है बेटा, 42,000। यहाँ आए हैं अपन और यहाँ पे आए और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा कितना, 42,000। आ रहा समझ। अब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना हो गया, 40,000। माइनस कर दिया 40,000, ठीक है। प्रीपेड एट बिगनिंग, प्रीपेड एट बिगनिंग कितना है, प्रीपेड एट बिगनिंग 30,500। उसके बाद प्रीपेड एट एंड 18,500। ठीक है 18,500, क्लियर है बेटा, कोई डेटा में कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल निकाल सकते हैं अपन। देखो बेटा यहाँ 2000 प्लस करना है और यहाँ नेट कितना, 12,000। दिखने में ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, 14,000। इसमें 14,000 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 3,17,500। अरे टोटल करके देख लो यार, मेरी कैलकुलेशन पे मत जाओ, खुद कैलकुलेट करके देखो, बताओ मुझे क्या गलत किया अपन ने। क्लियर है गाइस, 3,03,500 में अपन ने पहले इन दोनों का ये जो नेट था 42 प्लस करना और 40 माइनस करना, मतलब नेट कितना प्लस करना, दो, तो वो जोड़ दिया, 3,05,500 हो गया। 30,500 में से 18,500 माइनस किया, कितना आया, 12,000 और ऐड कर दिया, तो आ गया बेटा 3,17,500। क्लियर है ना बेटा, मेहनत करोगे आ जाएगी, तुम्हारी भी कैलकुलेशन क्विक हो जाएगी, क्लियर है। अब मैंने कहा इसके बाद क्वेश्चन कहता है एक्सट्रैक्ट भी बनाना, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो हमने यहाँ लिखा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st of March, 31st of March 2021। डिटेल क्लियर है बेटा, 31st March 2021। यहाँ पे आई, यहाँ पे लिखा लाइबिलिटीज, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइबिलिटी, और मैंने यहाँ पे लिखा बेटा अमाउंट, क्या लिखा अमाउंट। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ऐसे ये बैलेंस शीट तो अपन इतनी बार बना चुके हैं कि कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, पूरा हमने अच्छे से मेहनत कर रखी है इसमें। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी एंड वाली, वो आएगी यहाँ पे। अरे एंड की बैलेंस शीट है ये, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी यहाँ कौन सी आएगी, एंड वाली आएगी, दैट इज 42,000। यार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तुम्हारा एसेट क्यों है, तुम ये कह रहे हो कि ये 42,000 हमारा पैसा भी ड्यू है जो हमें उन मेंबर से लेना है, तो तुम्हारे लिए तो एसेट है ना, क्योंकि फ्यूचर में यू पीपल विल रिसीव दिस 42,000। यार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा वैसा का वैसा ही मेरे पास यहाँ पे प्रीपेड है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो मैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट एंड लिख दूंगा, कितना है बेटा 18,500, और ये मेरा बैलेंस शीट का एक्सपेक्ट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है। अब मैंने कहा आप एक चीज बताओ मुझे, अब ये दोनों तो क्लियर हो गया, ये तो दिमाग में सेट था, अपन बार बार डिस्कस करते हुए चल ही रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देख के मुझे एक बात बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन है, अरे सुन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसी से अकाउंट बनाना सिखाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, मतलब ये पैसा जो तुम्हें सब्सक्रिप्शन के नाम से मिला है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तुम ये दो चीजें तो ऐड कर रहे हो, दो चीजें क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो।
नाउ टेल मी वन थिंग, जब तुम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ये दोनों चीजें ऐड कर रहे हो तो कैन आई से यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम? यू आर डूइंग व्हाट बेटा? यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम। मैंने कहा वैसे ही आप दो चीजें क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस कर रहे हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं उन दोनों की वजह से आपकी सब्सक्रिप्शन क्या हो रही है बेटा, माइनस हो रही है, कम हो रही है? तो मैंने कहा जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है जो भी चीज इनकम को बढ़ाती है वो क्रेडिट होती है। क्या होगी? क्रेडिट होगी। मैं बताता हूँ बेटा, अभी भी समझ नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा ताकि दिमाग चलना चालू। अब मैंने कहा एक नई चीज सिखा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और ये नए कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आ रहा समझ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये समझ में आ जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक इनकम अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है मेरे प्यारे बच्चों? इनकम। जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी आप क्रेडिट करोगे, जिस भी चीज की वजह से आपकी इनकम कम होगी आप उसको डेबिट करोगे। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अपना बचपन से ही क्लियर है। इनकम विल बी क्रेडिटेड। अगर नहीं क्लियर है तो भी अभी मौका मिल रहा है, आराम से क्लियर करो, कोई टेंशन की बात नहीं। बट हाँ, यहाँ के आगे लॉजिक वीक नहीं रहना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट। तो मैंने कहा अभी अभी मैंने ऊपर आपको तीन चीजें बताई, जो तीन चीजें क्या कर रही है मेरी इनकम में, जो मेरी इनकम को इंक्रीज कर रही है। जैसे सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो जो जो इनकम को बढ़ा रही है, जो जो वहां प्लस हो रही थी वो यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएंगी। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एट एंड। गाइस क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग एट एंड? अरे यार जो भी चीज मेरी इनकम को बढ़ा रही है अल्टीमेटली वो इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो क्रेडिट साइड ही आएगी, बिकॉज दैट इज इंक्रीजिंग माय इनकम। तो मैंने कहा जो सब्सक्रिप्शन मिली उसमें मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड जोड़ता हूँ, तो वो भी मेरी इनकम को बढ़ा रहा है। तो जो चीज इनकम को बढ़ाएगी उसको मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। मैंने कहा वैसे ही प्रीपेड एट बिगिनिंग भी ऐड कर रहे हो ना आप, तो प्रीपेड एट बिगिनिंग भी आपको इनकम को बढ़ाएगी। अब वापिस अगर लॉजिकली उल्टा चलना है तो सोचना चालू करो यार, इस साल तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिली और कुछ सब्सक्रिप्शन अभी एंड में ड्यू है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन रिसीव में वो जोड़ दो, क्योंकि वो है तो इसी ईयर की इनकम। फिर हमने कहा ये जो प्रीपेड एट बिगिनिंग है, क्या बोला अपन ने? प्रीपेड एट बिगिनिंग, लास्ट ईयर पैसा मिला था बट इनकम कौन से ईयर की थी? करंट ईयर की। तो इसमें क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों? इसमें आप ऐड कर दो। तो इसलिए दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। फटाफट मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, फटाफट मैं यहाँ से वैल्यू डालता हूँ, 3,03,500, 3,03,500। आउटस्टैंडिंग एट एंड वी ऑलरेडी नो इट इज 42,000। अब मैं प्रीपेड एट बिगिनिंग देख लेता हूँ बेटा, प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना है? 30,500। वापिस इस अकाउंट को एनालाइज करो, जो उस फॉर्मूले में आपकी इनकम को बढ़ाता है दैट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो जो आपकी इनकम को कम कर रहा है, क्या इनकम को कम कर रहा है बेटा? क्या आपकी इनकम को कम कर रहा है बेटा? कैन आई से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या कर रहा है बेटा? कम कर रहा है। उसके बाद में जो आपका प्रीपेड एट एंड है वो भी आपकी इनकम को कम कर रहा है। तो देखो फॉर्मूले से तो आपको समझ में आ गया, जो चीज माइनस हो रही है वो डेबिट साइड आएगी क्योंकि वो इनकम को कम कर रही है, जो चीज आपकी इनकम में प्लस हो रही है, जो इनकम को बढ़ा रही है वो आप क्रेडिट करोगे। बट लॉजिकली मैं बता देता हूँ, मैंने कहा 3,03,500 में ये जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ये जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना? 40,000। तो मैं कह रहा हूँ इस साल हमें जो ये पैसा रिसीव हुआ इसमें 40,000 तो वो होगा जो पिछले साल को बिलोंग करता है, तो हम उसको क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे, क्योंकि हमें तो इस साल क्या दिखाना है? वो पैसा नहीं दिखाना जो इस साल रिसीव हुआ है एज अ इनकम, हमें वो पैसा दिखाना है जो इस साल को बिलोंग करता है। तो 3,03,500 में जो पैसा 40,000 लास्ट ईयर को बिलोंग करता है वो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो हम माइनस करेंगे। दिमाग में जा रहा है कुछ? मैंने कहा उसके बाद आप देखो प्रीपेड एट एंड कितना है? प्रीपेड एट एंड 18,500। अब ये क्यों माइनस हुआ सर? लॉजिक सुनो, मैंने कहा 3,03,500 में 18,500 वो पैसा रिप्रेजेंट करता है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसका मतलब 3,03,500 में से वो 18,500 रुपए हटा दूं जो फ्यूचर के लिए है, करंट ईयर के लिए तो नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको माइनस। अब गाइस देखो इनकम अकाउंट में ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, और जो यहाँ पे बैलेंस आएगा जो ऑलरेडी आप ऊपर निकाल चुके हो 3,17,500, बट आपको पता है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक इनकम है, और इनकम अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स की एक खास बात होती है, एट द एंड
दे आर ट्रांसफर्ड टू, ध्यान से बता रहा हूँ नई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई, दे आर ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर और नॉर्मली पीएनएल अकाउंट। ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर एंड पे पता है क्या होता है, उन सब के सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एनपीओ में। एनपीओ के अलावा अगर कोई चैप्टर होता है तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में। आरएस में तो अब मुझे बताओ ना ये 317,500 कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे ये निकालना है कि कितना पैसा इस अकाउंट में डेबिट होके फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा, तो मैं ये अकाउंट बना के भी निकाल सकता हूँ जो अभी तक आप स्टेटमेंट बना के निकाल रहे थे। ठीक है, अब टोटल कर लो इसका, 3,03,000 प्लस 42, 3,45,000, 3,45,000 प्लस 30, 3,75,000, 3,75,000 और 1, 3,76,000। तो ये 376 टोटल आ गया दोनों तरफ और मेरा फाइनल बैलेंस आ गया जो मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट। तो गाइस ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया कि हाउ टू प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब फटाफट मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, पॉज करके इसको कॉपी मारो, फिर अपन आगे बढ़ते। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप आपने क्या कर लिया होगा बेटा, कॉपी कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो चुकी है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस बची नहीं, बट स्टार्ट करते हैं फिर भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्सक्रिप्शन निकालने को नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ आउटस्टैंडिंग एट द एंड पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पे वर्ड है फॉर द ईयर। कौन सा वर्ड है बेटा? फॉर द ईयर। ठीक है, अ क्लब हैज 300 मेंबर्स ईच पेइंग 2,000। तो मैं एक बात बताता हूँ, 300 लोग थे और एक आदमी को 2,000 रुपया देना था, तो इसका मतलब टोटल पैसा कितना आना था हमें सब्सक्रिप्शन के नाम से, 6,00,000 रुपये। ठीक है, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 6,07,000 received, the following additional information is available। उसके अलावा जो additional information available थी वो ये, subscription outstanding on 31st March 2020, मतलब ये हमारा opening subscription कितना था, 20,000, subscription received in advance for the year 2021, ये opening prepaid कितना था बेटा, 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना था अपना, 11,000। क्लियर है? अगर आप देखोगे आपके पास इसमें से सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको जो निकालना है वो निकालना है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्या निकालना है बेटा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। जब आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड निकाल लोगे, ट्रस्ट में गाइस आपको फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले अपन एक काम करते हैं, उस स्टेज तक जाते हैं जहां अपन वहां पहुंच जाएं और अपने पास वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो। सर कैसे निकालेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। मैंने कहा कुछ अलग नहीं, तुम इसको क्या करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप क्या करो, इसको ना इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करो, आसान होती है डिटेल। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड वो सब्सक्रिप्शन कितना क्रेडिट करने का है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करने का फॉर्मूला होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड
माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस प्रीपेड एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड एट एंड, ठीक है ना बेटा। ये सारी चीजें अपन ने लिख दी, अब वैल्यू डालना स्टार्ट हो। ठीक है गाइस, देखो इसमें ना आपको पहले से ही पता है सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी होगी। यार 300 लोग हैं, एक आदमी को 2000 देना था, इसका मतलब हमारा इस साल का इनकम जो है वो तो 300 × 2000 होना था। ये बात क्लियर है, पक्की है, दिमाग में सेट है। मैंने कहा उसके बाद क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो मैंने कहा वो डेटा भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट गया हुआ है सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ इस बार, 6,07,000। कितना रिसीव हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 6,07,000। तो यहाँ आए हम, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव 6,07,000। सी आउटस्टैंडिंग एट एंड मुझे पता नहीं है, मुझे तो निकालना ही है, तो वो अपन वैसा का वैसा लिख देते हैं। माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, क्वेश्चन में देखो बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है, 20,000। कितना है बेटा, 20,000। तो यहाँ आए और हमने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। प्रीपेड एट बिगिनिंग, नाउ व्हाट इज प्रीपेड एट बिगिनिंग गाइस, प्रीपेड एट बिगिनिंग कितना है, कितना है बेटा प्रीपेड एट बिगिनिंग, 11,000। कितना है बेटा, 11,000। तो यहाँ आए और यहाँ पे हमने 11,000 प्लस किया, वापस लिख देते हैं बेटा, वन थोड़ा सा विजिबल है, 11,000 लिख दिया मेरे पैर में, और माइनस किया प्रीपेड एट एंड। नाउ व्हाट इज प्रीपेड एट एंड, तो मैंने कहा प्रीपेड एट एंड मेरे पास कितना है, 30,000। तो यहाँ आए और 30,000 लिखा, क्लियर है बेटा। फिर अब अपन देखते हैं इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं, 6,07,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब इसमें से प्लस माइनस कर देते हैं, ये 11,000 इसमें जोड़ देते हैं प्लस वाले में, तो ये आ गया 6,18,000। माइनस माइनस को जोड़ देते हैं, कितना आ गया, 50,000। अब अपन कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड जो है वो कितना आया, 6,00,000। अरे ये आउटस्टैंडिंग एट एंड तो इधर ही रह जाएगा प्लस में, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला 6,18 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6,18,000 आएगा। अरे प्लस माइनस तो आता ही है यार, ठीक चलो बेटा, 6,50,000 माइनस 6,18,000, 32,000। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 32,000। सर आप एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर निकालो, फॉर्मूला समझ में आ गया, वैल्यूज कहां से उठाई वो समझ में आ गई, बट ये जो 32,000 है ये तो आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर निकालना। गाइस देखो यहां पे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था दैट इज 20,000, ये रिसीव हुआ कि इसमें से कुछ अभी ड्यू है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं हमेशा यही अज्यूम करूंगा कि ये जो 20,000 था पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो तो मिल गया होगा, और ये जो एट द एंड आउटस्टैंडिंग है 32,000 ये मेरा करंट ईयर का ही है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर कितना हो गया बेटा मेरा, 32,000 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 32,000। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर सोचो समझो और लॉजिक लिखो इसके साथ, ताकि बाद में इसको भूल ना जाए, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी मारो, फिर अपन करते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइस आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जो अपन अभी क्वेश्चन रीड करेंगे तो दिमाग में समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है,
बट लास्ट क्वेश्चन में कुछ नई चीज है सब्सक्रिप्शन पर लेकर। मैंने कहा गाइस क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसका मतलब पता पड़ गया हमें 21-22 का बेसिकली हम अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, ये मान लो 22 का 31 मार्च 2021, ये 31 मार्च 2022, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, शुरुआत में ये एंड में ये, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एट एंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीपेड एट बिगिनिंग प्रीपेड एट एंड। क्या हमारे पास ये डेटा आ गया, डिटेल्स आ गई, समझ में आ गई। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च, एंडिंग 31 मार्च 2022, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर्ड 3,15,000। सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी। अब ऐसा क्या है, मतलब क्या ऐसा है जो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, वो मैं अभी बता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 8,000 मिल गए, वो पैसा जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता, अरे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है यार। हमें जब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में से कितना रिसीव हो गया है वो तभी काम आता है गाइस, जब हमने अभी तक क्वेश्चन किया दिमाग में इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ये डेटा तब काम आता जब हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग नहीं दिया होता, तो हम मानते जितना 8,000 मिला है उतना ही शुरुआत में डी होगा, बट ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें तो इसमें पूरा दे रखा है। तो बेसिकली हमें 20,000 दे रखा है, तो हमें ये 8,000 वाली इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा कुछ करना नहीं। सर फिर इसमें था क्या नया जो आप ऐसा बोल रहे थे, ये वाली लाइन गाइस ढंग से देखो इसमें, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटन ऑफ, मतलब सब्सक्रिप्शन के बैड डेट्स आ गए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन का बैड डेट्स आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा ये सब्सक्रिप्शन के बैड डेट्स का आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये बेसिकली है क्या, और उसी के बाद आपको क्या होगा मजा आएगा। तो मैं इसमें पहले लिख देता हूँ, इसमें बनाने को क्या बोला है, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखो अकाउंट आ गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, ऊपर बनाया था अपन, ये लाइन के साथ ही करते हैं ताकि आपको याद रहे, एट द एंड नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे डालते हैं बेटा भाई आराम, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, समझ के करने का। देखो जब यहाँ तक की स्टोरी क्लियर दिमाग में सेट कर, मैंने कहा सबसे पहले वो चीज़ें लिख दो जो नॉर्मली आपको लिखनी है, जैसे कि आपका जो जो सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ा रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो जो हमें पता है वो जो प्लस होते हैं वो लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड ये भी इनकम बढ़ाती है प्लस होता है, प्रीपेड एट बिगिनिंग, क्या बोला बेटा मैंने, प्रीपेड एट बिगिनिंग, स्टोरी क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, क्या आएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग टू प्रीपेड एट एंड, ये दोनों चीजें माइनस होती है, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था बेटा, 16 कराया था, तब मैंने पूरे पूरे लॉजिक एंड तक डिस्कस किया। अब मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं फिगर्स डाल देता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, एट द बिगिनिंग 20, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना 20, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना 25, तो मैंने ये डिटेल डाल दी, ये डिटेल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैंने कहा इसके बाद अगर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड, सॉरी सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एट बिगिनिंग और प्रीपेड एट एंड, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, प्रीपेड एट बिगिनिंग 24,000, प्रीपेड एट एंड 18,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है बेटा 3,15,000, तो ये यहाँ पे डेटा लिख दिया गाइस। ये तो मैंने सिर्फ पेस्टिंग करी है यार, जो हम नॉर्मली काम करते हैं मैंने उसका क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पेस्टिंग किया है। सर बैड डेट्स क्या होगा, तो मैंने कहा उसके लिए पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, आराम से समझना, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। देखो बेटा सुनो, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है जो फॉर्मूला था उसमें आप यहाँ पे लिखते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव, याद आ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा करते थे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख के तुम यहाँ आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लिखा करते थे, आरसन मतलब आप ये कहते थे जैसे 3,15,000 है और वो कितना है 20, आप ये कहते थे 3,15,000 आपने प्लस यहाँ करते और यहाँ में से माइनस करते 20,
तो हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं 315 में से? गाइस लॉजिक बताया था मैंने पहले वाले लेक्चर में, जब सब्सक्रिप्शन पढ़ा रहा था, जब क्वेश्चन करा रहा था लास्ट में, तब भी बता रहा था, आज फिर बताया है। और अब वापस रिपीट कर, अब तो दिमाग में सेट कर लो। माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं कहता हूं ये जो सब्सक्रिप्शन है 20,000, ये तो लास्ट ईयर की है, तो इस 315 में ये 20,000 क्या है, ये इसमें एडिड होंगी, तो मैं 20,000 माइनस करता हूं ताकि मुझे पता पड़े कि इस साल के लिए मुझे कितना मिला, 285,000। कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? 285,000। क्लैरिटी है? सुन, अब मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अब मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन क्लियरली बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया 7,000 रुपए तो मिलेंगे ही नहीं, बैड डेट्स हो गए। 7,000 रुपए तो क्या हो गए? स्क्रीन कहां जा रही है? हाँ, अब सही है बेटा, अब सही है, अब सही है, दिख रहा है बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। चलो, तो मैंने ये कहा, अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि 20,000 रुपए अगर मैं माइनस करता हूं तो इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, क्योंकि 315,000 मुझे इस साल मिले और पिछले साल के मुझे ज्यादा से ज्यादा 13,000 ही मिल सकते थे, क्योंकि 7,000 तो बैड डेट्स हो गए। तो टेक्निकली इस 315 में से तो कितना, 13,000 माइनस होना चाहिए था। कितना माइनस होना चाहिए था बेटा? 13,000। अरे यहाँ पे भी तुमने क्या करा दिया, 2,95,000 आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 3,02,000। कितना आना चाहिए था? 3,02,000। सुन में आ रहा है क्या? अरे मैं इस क्वेश्चन में ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में ये 20,000 माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 20,000 ये कह के माइनस किया करता था कि 20,000 मुझे जो पैसा मिला है 315 में से वो लास्ट ईयर का है, तो हटाओ माइनस करो। बट अब इस क्वेश्चन में 20,000 शुरुआत का ड्यू था, बट 7,000 तो बैड डेट्स हो गए, तो एक्चुअल लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल कितना मिला होगा? सिर्फ और सिर्फ 13,000 मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कितना, 13,000। तो अब अगर आप ये देखोगे, अब अगर आप ये देखोगे तो मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ। आप ऐसा कर लो, यहाँ पे 20,000 जो भी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हो उसमें से बैड डेट्स हटा दो। बैड डेट्स हटा दोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 13,000। सर 13,000 क्यों माइनस कर रहे हैं? अरे यार 13,000 इस साल पैसा मिला, बट वो रिलेट किससे करता है? हमारे लास्ट ईयर से। किससे रिलेट करता है? लास्ट ईयर से। तो मैंने कहा अब अगर मैं लॉजिकली इसको करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं कैलकुलेट कर लूंगा कितना फिगर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करोगे तो इतना तो करोगे, कॉपी मारो उसको, कैलकुलेट करो। गाइस निकाल लिया होगा यार, तुम्हारा भी सही आया होगा बिल्कुल जैसे मेरा आया था। फटाफट पॉज करके अब कॉपी मार ली। अब इसको ऐसे कॉपी नहीं करने का है, इसको ऐसे कॉपी नहीं करने का, ठीक है? इसको अब क्या लिखने का है, तो यहां पे लिखो y बैड डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ऐसा क्वेश्चन पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो, ठीक है? अब तुम्हें लिखना पड़ेगा वी डिडक्ट, लिखते जाओ साथ साथ लिखते जाओ, वी डिडक्ट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अज्यूमिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग
दैट इज विच इज लास्ट ईयर्स इनकम, विच इज लास्ट ईयर्स इनकम, विच इज व्हाट बेटा, लास्ट ईयर्स इनकम इज रिसीव्ड इन द करंट। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने तुम्हें वो जो लॉजिक बोला था वो लिखवा दिया। कौन सा लॉजिक बोला था? मैंने पहले ही लिखवा दिया कि हम क्यों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नाम माइनस करते हैं। तो मैंने लिखाया वी डिडक्ट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अज्यूमिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग दैट इज लास्ट ईयर इनकम इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो जो लास्ट ईयर का इनकम था करंट ईयर में आया, तो क्या करंट ईयर का इनकम होगा? नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर के इनकम में कंसिडर हो गया। ठीक है, अब बट वेन वी हैव बैड डेट्स, क्या बोला मैंने, वेन वी हैव बैड डेट्स ऑफ 7,000, it means we have received only 13,000 in current year out of last year's outstanding। साथ साथ लिखते जाओगे, ठीक है। Therefore, only 13,000 is deducted from subscription। ठीक है, अब आप देखो लॉजिकली कितना मजा आ जाता पढ़ने। एक एक चीज का क्यों प्लस हो रही है, क्यों माइनस हो रही है, हर एक चीज का इतना सारा कर लिया। आखिरी क्वेश्चन बैड डेट्स आया, पैराग्राफ लिख डाला अपन ने कि ऐसा क्यों किया, ताकि बाद में तुम भूलने की भी कोशिश करोगे ना, ये पैराग्राफ पढ़ के याद आएगा कि वहां 20 आना था, 7,000 माइनस करके 13 लिखा। फिर सवाल आएगा दिमाग में एक दो महीने बाद क्यों किया, तो ये नोट काम आएगा, ये नोट बताएगा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया था। आपने इसलिए किया था क्योंकि आप 20,000 माइनस ये सोच के करा करते थे कि इस साल हमें 20,000 मिला होगा जो लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर का जो था वो तो लास्ट ईयर की इनकम, तो इस साल माइनस करेंगे। बट जब तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, बट उसमें से 3,000 जो था, उसमें से सॉरी 7,000 जो था वो तो मिला ही नहीं, तो मिला कितना, 13। तो जब इस साल मिला 13 तो माइनस भी 13 होगा ना लास्ट ईयर का। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गाइस, अगले लेक्चर में अगले चीज के साथ स्टार्ट करेंगे। बट तब तक बेटा यहाँ तक रिवाइज करना ताकि अपने को बिल्कुल मजा आ जाए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप आराम से इसको रिवाइज करो। अच्छा।